नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी ऑनली यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर 2018 से लगाकर 10 नवंबर 2018 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आगामी आरएस मेंस और स्कूल लेक्चर के जो एग्जाम होने हैं उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। खैर दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे वह संबंधित हैं जमाल खशोगी। जो ये जमाल खशोगी हैं ये मूल रूप से सऊदी अरब के पत्रकार थे और वाणिज्य सॉरी मान माफ कीजिएगा वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का अखबार है उसके लिए पत्रकारिता किया करते थे। और इस्तांबुल का जो सऊदी अरब का वाणिज्यिक दूतावास है उनमें इनकी कह सकते हैं संदिग्ध तौर पर या कथित तौर पर हत्या कर दी गई, जिसके कारण जो सऊदी अरब हैं और जो अमेरिका हैं उसके रिश्तों में भी आपस में तनाव आ गया और इनकी डेट का भारत पर भी असर पड़ा। और सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में जो तनाव आया उससे एक बार ऐसे हालत पैदा हो गए थे कि जो कह सकते हैं ऑयल मार्केट है उसमें ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही थी, क्योंकि सऊदी अरब पर उसको प्रतिबंध लगा सकता था या फिर जो भी उनके रिश्तों में तनाव आता तो इसका जो राजनीतिक अस्थिरता के हालत पैदा होते और कहीं ना कहीं ये प्रभाव दृष्टिगोचर होता। इसके अलावा इनकी हत्या में सऊदी अरब के हाथ जो हैं ये होने का अंदेशा इसलिए जताया जा रहा है कि इनके जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान उनसे जमाल खशोगी के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण रहा करते थे। तो 15 वर्ड में आरएसएमएस में ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस सवाल के पूछे जाने की बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज पर आते हैं और ये संबंधित है हरपनप्रीत कौर से। जो हरपनप्रीत कौर हैं वो हरपनमौला भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और जो वेस्ट इंडीज में 2020 महिला विश्व कप हो रहा है 2018 उसमें भारतीय टीम की वो कप्तान हैं। और महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने अपने पहले ही मैच में ये सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हरपनप्रीत कौर के बारे में आपको जानना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक सवाल है, यहीं से वो आपको ये बताना है कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने जो शतक लगाया है वो किस टीम के खिलाफ उन्होंने ये शतक लगाया है, तो वो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। ये संबंधित हैं रोहित शर्मा से। जो रोहित शर्मा हैं उन्होंने 2020 में 4 शतक लगा दिए हैं और ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं। आरएस मेंस में स्पोर्ट्स को लेकर अलग से मेंशन है, इसलिए भी ये खबर इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा वनडे में 3 दोहरे शतक भी वो लगा चुके हैं। ये दोनों रिकॉर्ड उन्हीं के नाम हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। खैर दोस्तों, आगे आते हैं, अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। ये संबंधित हैं रानिले विक्रमे सिंघे से। जो रानिले विक्रम सिंघे हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे और उनको वहाँ के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरसेना ने बर्खास्त कर दिया और रानिले विक्रमे सिंघे की जगह जो प्रधानमंत्री बनाया वो बनाया महिंद्रा राजपक्षे को। तो ये तो व्यक्तित्व के लिहाज से थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल्स हमें जानी। अब इसका इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है? जो महिंद्रा राजपक्षे हैं उनको ऐसा समझा जाता है कि वो प्रो चाइना है, यानी चाइना की संबंधी नीतियाँ ज़्यादा बनाते हैं। और जो रानिले विक्रम सिंघे हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि वो प्रो इंडिया है, यानी कि कह सकते हैं इंडिया के फेवर में रहते हैं या चाइना के अपोज करते हैं। तो कुल मिलाकर ये हो सकता है कि श्रीलंका पर जो चाइना का प्रभाव बढ़ सकता है और इससे हिंद महासागर में भारतीय हितों को कुटाराघात पहुँच सकता है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है नोबल पुरस्कार 2018 से। दोस्तों, नोबल पुरस्कार 2018 को लेकर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, अलग जैसे एक एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल साइंस की। तो 2018 का जो नोबल पुरस्कार है मेडिकल साइंस के लिए जो दिया गया वो दिया गया अमेरिका के जेम्स पी एलिसन को और जापान के तासुको होंजो को, ये कह सकते हैं पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इन्हें ये नोबल पुरस्कार 2018 क्यों दिया गया, उन्होंने ऐसा किया क्या? उन्होंने क्या किया दोस्तों, अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के तासुको होंजो ने उन्होंने इम्यून सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसका चेक पॉइंट के लिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला। अब ये थ्योरी क्या थी इसको लेकर भी हम अगले साइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये डिस्कस जो करेंगे वो ये था कि इनका समाज में क्या योगदान रहा। तो जो ये अमेरिका के जेम्स पी एलिसन थे और जापान के तासुको होंजो थे जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला, उन्होंने एक प्रोटीन की खोज की। कौन सी प्रोटीन की खोज की? उसका नाम था PD-1।
दोस्तों कहा जाता है कि जो ये प्रोटीन है ये क्या करता है, कैंसर जब होता है किसी व्यक्ति को तो उसके दौरान शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। कौन कमज़ोर करता है? PD-1 जो प्रोटीन है वो कमज़ोर करता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस जो PD-1 प्रोटीन है इस पर ही रोकथाम लगा दें, उस प्रोटीन को निशाना बनाएं, और अगर इस प्रोटीन को निशाना बनाएंगे तो फिर शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर नहीं होगा, और शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होगा तो फिर हम कैंसर को आसानी से हरा सकते हैं। तो यानी कीमोथेरेपी से बचा जा सकता है अगर इस क्षेत्र में और प्रोग्रेस होती है तो बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी, इसलिए उन्हें जो कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खैर दोस्तों अब बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की। जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया अमेरिका के आर्थर आस्किन को। इसके अलावा फ्रांस के जेराड जो मोरो हैं उनको भी दिया गया, और साथ में संयुक्त रूप से थे कनाडा के डोना स्ट्रिकलैंड, यानी तीन जनों को ये पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो उन्हें दिया गया लेजर फिजिक्स जो होती है उसके क्षेत्र में योगदान देने के लिए। अब उन्होंने क्या किया ऐसा लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में? लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने ये किया कि जो लेजर बीम होती है, लेजर लाइट आपको पता ही होती है, आप बचपन में कई बार यूज किया होगा आपने डेफिनेटली, तो जो लेजर बीम होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको उन्होंने कंट्रोल करना बताया। अब इस इंटेंसिटी को कंट्रोल करने से हम क्या कर सकते हैं? इसके तहत हम ये क्या कर सकते हैं कि उन्होंने चिप्ड प्लस एक एम्पलीफिकेशन होता है उसका उन्होंने लेजर बीम को कंट्रोल करके आविष्कार किया। अब इसकी सहायता से हमारे दैनिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या होता है कि मतलब एक तरह से नैनो टेक्नोलॉजी टाइप कह सकते हो आप, लेजर बीम से इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, प्लास्टिक की एक बोतल है, उस बोतल में पानी है। अब उस पानी को हम ऐसे तो प्लास्टिक की बोतल के साथ गर्म नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टिक बोतल पिघल जाएगी, लेकिन लेजर बीम का नियंत्रण करके हम इस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे कि प्लास्टिक की बोतल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो पानी वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आविष्कार खोज जो भी कह सकते हैं इसके लिए उन्हें जो अमेरिका के आर्थर आस्किन हैं और फ्रांस के जेरार्ड मोरो और कनाडा के डोना स्ट्रिकलैंड को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की। तो ये दिया गया अमेरिका के फ्रांसिस अर्नॉल्ड को, अमेरिका के ही जॉर्ज स्मिथ को और ब्रिटेन के ग्रेगरी विंटर को। इन्हें क्यों दिया गया केमिस्ट्री में? इसलिए दिया गया कि उन्होंने केमिस्ट्री में एक थ्योरी दी, बहुत ही क्रांतिकारी थ्योरी दोस्तों, वो है डायरेक्टेड इवोल्यूशन और फेज डिस्प्ले के क्षेत्र में नई खोज की उन्होंने। अब ये डायरेक्टेड इवोल्यूशन क्या होता है इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा डार्विन की थ्योरी। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो संघर्ष करता है वही जीता, ऐसा कुछ था थ्योरी में। और साथ में ये भी कहा कि मनुष्य में आनुवांशिक तौर पर बदलाव होते हैं, ठीक है, मनुष्य में आनुवांशिक तौर पर बदलाव होते हैं, लेकिन ये बदलाव की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और एकदम से नहीं होते, जैसे मतलब कहने का मतलब प्रकृति के अनुसार मनुष्य ढलने की कोशिश करता है समय के अनुसार, ठीक है। जैसे हमारा अपेंडिक्स हमारे शरीर में होता है वो एक टाइम में काम आता था लेकिन अब काम में नहीं आता, तो ये आनुवांशिक तौर पर बदलाव हुआ, अब उसका यूटिलाइजेशन होना बंद हो गया, पहले हुआ करता था, तो ये बदलाव हुआ एक लंबी प्रोसेस के थ्रू हुआ और हमने जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य कर दिया, अनुकूलन कर दिया। लेकिन अब डायरेक्टेड इवोल्यूशन में क्या कर दिया उन्होंने कि ये जो प्रक्रिया थी प्राकृतिक रूप से काफ़ी टाइम लेती थी, अब इस प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इससे इसमें तेजी आएगी, इससे क्या होगा हमारे शरीर में बेहतर मेडिकल जो एंटीबॉडीज हैं उनको डेवलप किया जा सकता है और कैंसर आदि के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज की जा सकती है। यानी कि डायरेक्टेड इवोल्यूशन का मतलब जिस इवोल्यूशन को जिस बदलाव को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, कृत्रिम रूप से तेजी से किया जा सकता है, यानी हमारे शरीर को इस रूप में तैयार करेंगे कि हम जो बीमारी है उनके हिसाब से अपन को ढाल देंगे, तो इससे काफ़ी बदलाव आ सकते हैं, कैंसर आदि के क्षेत्र में भी उपयोग हो सकता है इसका। इसके अलावा जैव ईंधन, आप जानते हैं दोस्तों जो कोयला बनता है वो जो जीवाश्म होते हैं करोड़ों सालों से पेड़ पौधे जो ज़मीन में दब जाते हैं उसके बाद वो जैव ईंधन बनता है, और कहा जा रहा है जैव ईंधन अब संसार में लिमिटेड ही बचा है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम तेज कर देंगे तो बहुत सारा जैव ईंधन आ जाएगा और ये भी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज है, इसके लिए भी उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खैर आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ हम बात करेंगे शांति के नोबेल पुरस्कार की। कई बार पूछा जाता है शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर, तो इस बार का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है इराक की नादिया मुराद को। इसके अलावा अफ्रीका की जो कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो DRC शॉर्ट फॉर्म में इसे कह सकते हैं, वहाँ के एक डॉक्टर हैं डेनिस मुकवेज, उनको दिया गया। अब क्यों दिया गया? जो इराकी ये नादिया मुराद हैं, पहले उनकी बात करते हैं,
ये इराक की पहली ऐसी नागरिक हैं, पहले तो ये फैक्ट देख लेते हैं, पहली ऐसी नागरिक हैं जिन्हें नोबल शांति का पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, नादिया मुराद इराक की पहली महिला है, पहली महिला नहीं, पहली नागरिक है जिन्हें नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है। अब इनका क्या, क्यों मतलब इनको नोबल शांति पुरस्कार दिया गया, इनका क्या हुआ दोस्तों, इनको जो IS आतंकवादी संगठन है इसने नादिया मुराद का अपहरण कर दिया था, उनका शोषण किया था, ठीक है। और बाद में जब वो वहाँ से मुक्त हो गई तो उन्होंने जो यजीदी लड़कियाँ, यजीदी एक तरह से कह सकते हैं वंश टाइप है इराक का, वंश नहीं एक पर्टिकुलर शब्द होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं नस्ल है, सॉरी एक तरह की इराक की नस्ल है यजीदी, ठीक है। तो वहाँ की जो लड़कियाँ थी उनको अपहरण करता था IS और उनके साथ यौन शोषण करता था। तो इसके खिलाफ जो नादिया मुराद हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, बाद में वो यूनाइटेड नेशन की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर भी बनी, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, उन्होंने महिलाओं को यौन हिंसा से बचाया और खुद भी वो पीड़ित थी, और IS जैसे खूंखार संगठन के खिलाफ उन्होंने महिलाओं को बचाया, इसके खिलाफ मुहिम चलाई, तो इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकल कांगो के डेनिस मुकवेज हैं, ठीक है, तो उनको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये क्यों मिला, ये इसलिए मिला, पहले तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनको कहा जाता है डॉक्टर मिरेकल, यानी जादुई डॉक्टर, ठीक है। कांगो में गृह युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी जो यौन हिंसा की काफ़ी महिलाओं को शिकार बनाया गया था, ये जब भी युद्ध होता है तो हमेशा महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, ये समाजशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। तो जो यौन जो हिंसा हुई थी उसके दौरान उनकी जो शिकार महिलाएं थीं उनका इलाज फ्री में इलाज करते थे डॉक्टर मिरेकल ऑफ डेनिस मुकवेज, इसलिए उन्हें भी नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबल शांति पुरस्कार की, सॉरी माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार की। तो ये दिया गया अमेरिका के विलियम डी नाडहॉस को, इसके अलावा अमेरिका के ही पॉल एम रोमर को। उन्हें क्यों दिया गया, इन्होंने जलवायु परिवर्तन व आर्थिक समृद्धि के बीच समन्वय पर बल दिया, यानी उन्होंने कहा कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए भी आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे कि कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र थे उन पर भारत के अमर्त्य सेन को मिला था, तो उसी तरह जलवायु परिवर्तन और आर्थिक समृद्धि की एक थ्योरी दी उन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में, इसलिए उन्हें दिया गया विलियम डी नॉर्थहॉस और अमेरिका के पॉल एम रॉमर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में प्रदान किए जाते हैं, मेडिसिन में प्रदान किए जाते हैं, फिजिक्स में प्रदान किए जाते हैं, शांति के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। एक 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 और होता है लिटरेचर, लेकिन इस बार लिटरेचर का जो अवार्ड है वो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, तो इसके पीछे कारण था मी टू कैंपेन। अभी मी टू कैंपेन भी काफ़ी सुर्खियों में, इसको लेकर भी RSMS में पूछा जा सकता है, मैंने पहले जो वीडियो है उस पर क्वेश्चन भी डाला है मी टू का, ठीक है। तो ये जो मी टू कैंपेन है इसका क्या योगदान रहा साहित्य के क्षेत्र में, कि क्यों नहीं दिया गया, मतलब ये योगदान नहीं कह सकते। तो ये इसके पीछे कारण ये था कि जो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है वो देती है दी स्वीडिश कमेटी, और इस दी स्वीडिश कमेटी के एक सदस्य हैं यानी मेंबर हैं वो हैं कटरीना, ठीक है। इस इन कटरीना के जो पति महोदय थे जीन क्लॉड, इन जीन क्लॉड पर आरोप लगा था कि ये यौन उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का, ठीक है। दूसरा आरोप ये लगा था कि हर बार जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है उससे पहले वो पहले ही लीक हो जाता है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है उससे पहले ही वो मीडिया में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो अब नोबेल पुरस्कार इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे इसके लिए मतलब जो ये सदस्य है उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो फिर जो स्टडीज कमेटी, उन्होंने फैसला दिया कि हम इस बार का नोबेल पुरस्कार ही नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं दोस्तों। ये संबंधित हैं M777 अल्ट्रा लाइट हॉविजर तोप से, ठीक है, यानी M777 अल्ट्रा लाइट हॉविजर तोप से, ठीक है। तो ये क्या है, एक अमेरिकन तोप है, 30 साल बाद कोई तोप, 30 साल बाद बोपार्स तोप के बाद कोई दूसरी तोप है जो भारतीय सेना में शामिल की गई है। मारक क्षमता कितनी है, तो 31 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसकी विशेषताएँ क्या हैं, हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए इसे हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है, यानी उच्च अक्षांशीय, यानी कि जहाँ काफ़ी कह सकते हैं ऊंचाई पर जो स्थान स्थित होते हैं वहाँ पर भी इन्हें कह सकते हैं स्थापित किया जा सकता है, ऊंचाई पर स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। और अभी ने कहाँ तैनात किया जाएगा, ऊंचाई पे, तो हमारे जो चीन सीमा है, भूटान सीमा है, इस पर इसको तैनात किया जा सकता है। कब भारतीय सेना में शामिल किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बन सकेगा, लेकिन फिर भी 9 नवंबर को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो मतलब
पूछा क्या जा सकता है, एम 777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोप के बारे में या इसकी विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एम 777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर क्या है, एक तोप है, टैंक है, ऐसे चार ऑप्शन दे सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज स्लाइड पर आते हैं, और यहाँ पर भी हम एक तोप की बात करेंगे, और ये तोप जो है वो है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन। अब ये किस देश से भारत को प्राप्त हुई है, तो ये दक्षिण कोरियाई तोप है, उससे भारत को प्राप्त हुई। कितनी मारक क्षमता है, तो 38 यानी 38 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि रेगिस्तानी इलाके के लिए उपयुक्त हैं, और रेगिस्तानी इलाके के लिए उपयुक्त हैं तो कहाँ तैनात होगी, पाकिस्तान सीमा पर तैनात होगी, और पाकिस्तान सीमा पर तैनात होगी तो हमारे राजस्थान में भी तैनात होगी। तो K9 जो वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन भी एक तोप का प्रकार है, न कि एक गन का प्रकार है, और एक दक्षिण कोरियाई तोप है। इसके बारे में पूछा जा सकता है, रक्षा के क्षेत्र में और करंट अफेयर्स के क्षेत्र में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में भारत के किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश का जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक गाँव है रेली गाँव, वहाँ पर ये स्थापित किया गया। खैर अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं ICGS वाराह से संबंधित। ICGS वाराह क्या है, तो ये भारतीय तट रक्षक बल द्वारा लॉन्च एक स्वदेश निर्मित गश्ती जहाज है, ठीक है, यानी कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ICGS वाराह को, इंडिया में निर्मित है, और गश्ती जहाज यानी ध्यान रखता है कि भाई समुद्र में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब जानकारी रखता है वाराह। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं CBI से, CBI सुर्खियों में रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट जो है उसके तहत CBI पावर प्राप्त करती है अपनी। इसके अलावा इसका जो गठन किया गया है वो संथानम समिति के गठन सिफारिश पर किया गया है CBI का। CBI के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, जिनको हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया कि उनका उन पर करप्शन के आरोप लगे, और CBI के डायरेक्टर थे अस्थाना साहब, उनके साथ उनके कुछ संबंध में गड़बड़ी थी। और कार्यवाहक डायरेक्टर या अंतरिम डायरेक्टर किसे बनाया गया, वो बनाया गया आंध्र प्रदेश के नागेश्वर राव को, थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं ट्रेन 18 से, तो ये ट्रेन 18 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रेन 18 देश की पहली इंजन रहित ट्रेन है, जिसमें इंजन नहीं होगा, ऐसी ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है, तो पूछा जा सकता है, अपन वर्ड में जानकारी होनी चाहिए। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है मैं नहीं हम, ये एक्चुअली 2014 के इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी का नारा भी था मैं नहीं हम, तो जो ये मैं नहीं हम है ये क्या है, ये एक सेल्फ फॉर सोसाइटी थीम पर आधारित ऐप है, सेल्फ फॉर सोसाइटी, ठीक है, यानी मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, उस थीम पर आधारित एक ऐप है, जिसके जरिए क्या होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो IT पेशेवर हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाले हैं लोग हैं और जो संगठन हैं वो सामाजिक क्षेत्र की दिशा में जो काम कर सके उसके लिए एक मंच स्टेज प्रोवाइड कराता है मैं नहीं हम ऐप, और इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज स्लाइड पर आते हैं, और यहाँ हम बात करेंगे एक नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है RS मेंस के लिए, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लेक्चर के लिए, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है इसको लेक्चर का एग्ज़ाम देंगे या जो नेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हुआ क्या दोस्तों कि भारत सरकार ने 2016 में एक विधेयक में जो नागरिकता विधेयक उसमें संशोधन किया था, और उसमें भारत सरकार ने ये चेंज किया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो भी प्रवासी अवैध प्रवासी जो भी लोग भारत में आते हैं वो अवैध प्रवासी नहीं होंगे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आएंगे तो अवैध प्रवासी होंगे। इसका विरोध हुआ तो भारत सरकार ने तर्क दिया कि जो कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश जो भी हैं ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, आधिकारिक तौर पर भी हैं, तो इनसे कह सकते हैं कि अगर हिंदू कम्युनिटी आती हैं या फिर सिख कम्युनिटी आती हैं या तो ये जो कम्युनिटी आती है तो वो निश्चित तौर पर वहाँ से प्रताड़ित की हैसियत से आ रहे हैं, तो मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ उनको अवैध प्रवासी का दर्जा नहीं दें, जबकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ से यहाँ आएंगे वो प्रताड़ित के तरीके से आने की संभावनाएं कम होंगी, वो इसलिए ज़्यादा आएंगे कि वो देश के संसाधनों पर कब्जा कर सके, उनके उद्देश्य ये होंगे, इसलिए ये प्रावधान किया गया। इसे भारत सरकार ने कहा कि इसे धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए।
इसके अलावा ये संशोधन किया गया कि जो नागरिकता आवेदन है उसके लिए 12 माह पहले क्या होता था कि आप जो बाद में नागरिकता तभी ले सकते हैं, तब कुछ कुछ शर्तें थी, वो ये थी कि आवेदन से 12 माह पूर्व आप भारत में निवास करते हो, इसके अलावा पिछले 14 वर्ष में, इस 14 वर्ष में से 11 वर्ष में आप भारत में रहे, यानी कि अगर मैं आज आवेदन कर रहा हूँ तो आवेदन करने से 1 साल पहले मैं भारत में ही रह रहा हूँ, और ओवरऑल बात करें तो पिछले 14 साल में से 11 साल में भारत में ही रहा हूँ, तब आपको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने कर दिया कि 11 वर्ष नहीं, अब पिछले 14 वर्ष में से सिर्फ आप 6 वर्ष भी इंडिया में रह रहे हो तो भी आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसको लेकर असम में विवाद हो गया। कैसे विवाद हुआ असम में? असम में दो घाटी हैं, एक बराक घाटी एक और एक है ब्रह्मपुत्र घाटी। बराक घाटी में जो कह सकते हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, जो बांग्लादेश से आए हैं वो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो कह सकते हैं अभी तक कह सकते हैं विस्थापित है बांग्लादेश से, ठीक है, तो वो वहाँ आ गए। अब इस कानून से उनको फायदा हुआ क्योंकि उनको अवैध प्रवासी का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी में जो असम के मूल निवासी हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि ये बाहरी हिंदू आ जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करेंगे, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर देंगे, इसका वो विरोध कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, बाकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर आगे आते हैं, ये जो न्यूज है वो संबंधित है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक से। तो इसे कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अगली जो न्यूज है वो संबंधित है एमजे अकबर से। आप सभी को अच्छी तरह से पता ही होगा क्यों सुर्खियों में है, पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं, मीटू अभियान के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खैर और पत्रकार रहे हैं बहुत बड़े। खैर अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के हाल ही में चुनाव हुए, भारत तीसरी बार इसका सदस्य बना और भारत 2022 तक अपना टेन्योर जो पूरा करेगा, यानी कि कह सकते हैं लगभग इसका 3 साल कार्यकाल होता है, 2019 से शुरू होगा, 20, 21, 22, 3 साल टेन्योर होता है। तो हाँ, भारत हाल ही में किस परिषद का तीसरी बार सदस्य बना? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का बना। अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित है स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 से। तो ये जो स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 है, इसमें किस राज्य ने टॉप किया? तो हरियाणा राज्य ने टॉप किया। किस जिले ने टॉप किया? तो महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है उसने ये टॉप किया। अगली न्यूज पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है ई जॉब डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2018 से। तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2018 में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार हुआ है, 23 स्थान की छलांग लगाते हुए भारत पिछले साल की 100वीं रैंकिंग से इस बार 77वीं रैंकिंग पे आ चुका है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तय करने के लिए जो 10 स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें से 8 स्टैंडर्ड्स में इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित है भारत और अमेरिका के रिलेशन से। तो जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो ईरान के कारण थोड़े सुर्खियों में थे। सुर्खियों में ये थे कि ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा था, इससे भारत को नुकसान हो सकता था क्योंकि भारत अपने तेल आयात का 80% इराक से खरीदता है। लेकिन ये भारत की डिप्लोमेसी जीत कही जाएगी कि जो अमेरिका है उसने भारत सहित 8 देशों को, भारत है उसके बाद के अलावा 7 देश भी हैं, ठीक है, 8 8 देशों, कुल 8 देशों को ईरान से तेल आयात की छूट दे दी। ईरान ने प्रतिबंध तो लगा दिए हैं लेकिन कहा कि भाई भारत तेल खरीदे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये छूट अस्थायी छूट है, यानी एक लिमिटेड टाइम के लिए। भारत के अलावा इसमें चाइना भी है, जापान भी है, इटली भी है और भी कई कंट्रीज हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्थान रखता है। दूसरा, भारत अमेरिका के लिए कितना इम्पोर्टेंट, ये भी ये जो घटनाक्रम है ये शो करता है। खैर दोस्तों, अगली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ हम बात करेंगे तुर्गा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो ये जो तुर्गा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं ये किस किन देशों के बीच संयुक्त प्रोजेक्ट हैं? तो ये भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रोजेक्ट हैं, जिसके तहत दोस्तों ये किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या है कि तो बिजली की थोड़ी समस्या है, तो बिजली व्यवस्था और बेहतर हो सके, वहाँ के गाँवों तक बिजली व्यवस्था पहुँच सके, इसके लिए तुर्गा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है भारत और जापान के द्वारा। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगली जो न्यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो संबंधित है मानव निर्मित चांद से। तो हाल ही में किस देश द्वारा मानव निर्मित चांद बनाने की बात की गई है? तो वह है चाइना के द्वारा। चाइना क्या करेगा दोस्तों, लाइट का बिल बचाने के लिए जो करोड़ों रुपए का खर्च होता है उसके लिए क्या करेगा, एक कृत्रिम चांद स्थापित करेगा पृथ्वी की कक्षा में, उस पर एक रिफ्लेक्टर लगाएगा जो सूर्य की रोशनी से, उसको इस तरह से एंगल से सेट किया जाएगा कि वो सूर्य की रोशनी को प्राप्त करेगा और एक पर्टिकुलर एरिया में प्रकाश पहुंचाएगा। खैर अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं अदेल अब्दुल महदी से। तो ये कौन है? ये इराक के नए प्रधानमंत्री हैं,
अदेल अब्दुल महदी साहब, इराक के पूर्व तेल मंत्री भी रह चुके हैं, इससे पहले इराक के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अदेल अब्दुल महदी, तो पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट कंटेंट है। अगली न्यूज पर आते हैं, एक संधि है जो सुर्खियों में रही है, वो है INF संधि। ये हुई थी 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आसपास। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज वाली संधि थी, जो अमेरिका के रिगन प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रिगन और रूस के राष्ट्रपति थे गोबार्चेव, उनके मध्य हुई थी। इसमें यह था कि 483 किलोमीटर से लगाकर 5472 किलोमीटर के बीच की दूरी के जितने भी मिसाइल्स हैं उनका निर्माण, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल उनका निर्माण पर प्रतिबंध किया गया था, और ये अमेरिका और रशिया के बीच हुई थी, और इससे शीत युद्ध का जिससे पटाक्षेप हुआ था। तो अब उससे अमेरिका जो है पीछे हट गया है, अमेरिका ने कह दिया कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे, क्योंकि रूस जो है गुपचुप तरीके से इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। तो केवल रूस कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों करेंगे उल्लंघन। ये कहकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अपने आप को और अपने देश को इस संधि से अलग कर दिया। खैर, अगली न्यूज पर आते हैं, ये समझते हैं ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री किस देश ने चलाया? भारत ने चलाया। किस देश की सहायता के लिए चलाया? इंडोनेशिया की सहायता के लिए चलाया। इंडोनेशिया की सहायता के लिए क्यों चलाया? क्योंकि वहाँ पर सुनामी आई थी, तो उसकी सहायता के लिए चलाया गया, भारत द्वारा एक अभियान है। अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं पंकज आडवाणी से। जो पंकज आडवाणी हैं, पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशियन स्कूनर टूर खिताब जीता है उन्होंने हाल ही में, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा वह स्कूनर व बिलियर्ड्स जो खेल होता है, दोनों में वो वर्ल्ड विजेता भी रह चुके हैं। तो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में जरूरी थी, हमने जानी। खैर, आगे आते हैं दोस्तों अगली न्यूज स्लाइड पर, और हमारी अंतिम न्यूज स्लाइड पर, ये संबंधित हैं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 से। तो जो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 हुई थी, उसका कहाँ आयोजित की गई थी? ओमान में आयोजित की गई, और ओमान में आयोजित इस टूर्नामेंट की और फाइनल में रोमांच उस समय चरम में पहुंच गया, जो फाइनल में जो दो टीमें आई वो भारत और पाकिस्तान थी। लेकिन बारिश ने भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव नहीं होने दिया, और भारत और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया गया, और इस तरह भारत जो है तीसरी बार एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। बाद में 2011 में पहली बार जीता, 2016 में दूसरी बार जीता, और 2018 में अब तीसरी बार जीता, लेकिन संयुक्त रूप से किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कहाँ आयोजित की गई? ओमान में। आते हैं अगली न्यूज पर, ये समझते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं, तो बार बार आ ही जाते हैं हमारे नज़रों के सामने। विराट कोहली ने हाल ही में क्या किया कि जो वनडे क्रिकेट है उसमें सबसे तेज सबसे फास्ट 10,000 रन पूरे किए। किस टीम के खिलाफ पूरे किए? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब थोड़े से उनके रिकॉर्ड के बारे में देख लेते। उन्होंने मात्र 213 वनडे में 213 वनडे की 205 पारियों में ये कारनामा कर दिखाया। 10,000 रन बनाने वाले वे पांचवे भारतीय, यानी उनसे पहले पांच लोगों ने भी 10,000 रन बनाए थे। कौन कौन थे वो महानुभव? एक तो थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, द ग्रेट वॉल राहुल द्रविड़, इसके अलावा MS धोनी। तो ये चार उनसे पहले थे, पांचवे खुद विराट कोहली हैं। ठीक है, इसके अलावा विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाया, लगातार वनडे में 3 शतक लगाए उन्होंने, और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगली खिलाड़ी पर बात करते हैं, अगली करंट अफेयर्स पे भी कह सकते हो आप, वो समझते हैं बजरंग पूनिया से। बजरंग पूनिया कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप है उन्होंने उसमें 2 पदक जीते, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 पदक जीता, और कुल मिलाकर वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पे 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले बजरंग पूनिया कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, और एशियन गेम्स में तो गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने थे, जो अभी हुए थे ना एशियाड, उस जकार्ता एशियाड, तो उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। खैर, अगली जो न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो कहाँ स्थापित की जा रही स्टेच्यू ऑफ, कहाँ स्थापित की गई और लोकार्पण किया गया? गुजरात की जो नर्मदा नदी है और जो सरदार सरोवर बांध है उसके निकट एक टापू है, साधु बेट टापू, वहाँ पर इसको निर्मित किया गया। सरदार पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया, उन्होंने जो राष्ट्रीय एकता में योगदान दिया उसके लिए निर्मित किया गया। 182 मीटर ऊँची जो प्रतिमा है, बहुत ही कह सकते आकर्षक प्रतिमा है, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को
सरदार पटेल साहब के जन्मदिन के अवसर पर किया। एक और जो न्यूज़ है जो स्लाइड में कवर नहीं हो पाई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो हैं आशिया बीबी। ये बहुत सुर्खियों में रही हैं, RS मैथ्स में भी पूछा जा सकता है 15 वर्ड में। ये जो आशिया बीबी, ये कौन है? पाकिस्तान की ईसाई महिला जिसके खिलाफ जिसको इस निंदा के आरोप में पाकिस्तान के निचली अदालतों ने फांसी की सज़ा दे दी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने के आदेश दिए, जिससे पाकिस्तान में कह सकते हैं एक तरह से व्यापक पैमाने पर पाकिस्तान में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। तो ये आशा बीबी, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, आर एस में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो लंबा रहा थोड़ा सा, लेकिन चूँकि हम एक महीने के डेटाबेस कवर कर रहे थे, राष्ट्रीय भी कवर कर रहे थे, इंटरनेशनल भी कवर कर रहे थे, स्पोर्ट्स भी कवर कर रहे थे, तो इसका लंबा होना स्वाभाविक था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।